तो भागवत में ही प्रसंग आता है सुखदेव जी महाराज का जन्म। आपने बार बार मुख से सुना मेरे से, मैं बार बार कह चुका हूँ, सुखदेव जी महाराज का जन्म वो भी 12 बरस के बाद माँ के गर्भ में, 12 बरस तक रहे सुखदेव जी माँ के गर्भ में। और जब 12 बरस तक गर्भ में रहे सुखदेव मुनि, तो देखिए वैराग्य हो तो ऐसा, गजब का वैराग्य है। क्या वैराग्य है, कितना सुंदर वैराग्य है, इससे अच्छा और क्या वैराग्य होगा कि जब जन्म लिया न मां से मां कहा न पिता से पिता कहा। 12 बरस के हैं गर्भ में और 12 बरस के बाद जन्म लिया, और जन्म लेते ही क्या किया, बोले ऐसा किया जो शायद ही किसी ने किया, न मां से मां कहा न पिता से, कोई रिश्ता स्थापित नहीं किया। बोले क्यों, बोले रिश्ते ही तो दुख देते हैं। रिश्ते दुख देते हैं कि नहीं, दुनिया में इतने एक्सीडेंट होते हैं, कभी किसी के लिए रोए हो, नहीं रोए ना। बोले क्यों नहीं रोए, बोले उनके लिए उनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं था इसलिए नहीं रोए, पहली बात। और रिश्ते दुख कैसे देते हैं, अगर हमारे मित्र का मित्र हॉस्पिटलाइज हो जाए और हम उसे देखने जाएं, जाएंगे ही, एज इंसानियत तो जाना पड़ेगा, और गए और उसको देखा, उसके हाथ में फ्रैक्चर है, उसके पैर में भी फ्रैक्चर है, ओ कौन है, पापा है तेरा, कौन है, दुखी क्यों हो रहा है, बोले मेरे मित्र का मित्र है। मतलब एक छोटा सा रिलेशन बना, क्योंकि जिसको मैं मित्र कहता हूं उसी का मित्र ये है, और देखने गया, उसकी दशा देखकर मुझे भी दुख हुआ। अगर उससे कोई रिश्ता ही ना होता तो न जाने कितने हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आज तक तो किसी को देखने गए नहीं तो दुख हुआ नहीं, और एक रिश्ता बनाया उसे देखने गए तो दुख हुआ। तो रिश्ते दुख देते हैं, यही सोचकर परम श्रद्धेय वैराग्य के चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी महामुनि ने माँ से माँ नहीं कहा, पिता से पिता नहीं कहा, बिना कोई संबंध स्थापित किए, रिश्ता स्थापित किए सुखदेव मुनि वन की ओर बढ़े। और जैसे ही वो वन की ओर बढ़े, व्यास जी महाराज पीछे पीछे कहते हैं, यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जैसे ही सुखदेव जी महाराज आगे बढ़े, घर छोड़ा, वन की ओर बढ़े, और जैसे वन की ओर बढ़े पीछे से व्यास जी महाराज, पुत्रेति, हे पुत्र रुको, पुत्र रुको, पुत्र रुको। एक बात कहूं, पुत्र प्रेम बड़ा कठिन होता है, इतना कठिन होता है कि राजा दशरथ की तो जान ही ले ली पुत्र प्रेम ने। यह अलग बात है कि वो राम थे, लेकिन थे तो पुत्र। इस पुत्र मोह से जो उबर गया, बहुत बड़ी बात। कभी कभी तो हम लोग भी उबर जाते हैं, जब हमारे बच्चे हमें डांटते थे, तुम कुछ नहीं जानते, तुम चुप रहा करो, तुम्हें क्या पता, तुम्हारे जमाने की बात नहीं है, डांट देते ना कभी कभी बच्चे। फिर माँ बाप क्या सोचते हैं, मेरा कोई नहीं है, हुन रब्बा मैनू बचा ले, हुन रब्बा मैनू तू बुला ले, साडा भला कर दे, तुहाडा भला किंज होगा मेरे प्यारे, तुसी दस दे मैनू, भला तो तभी होगा जब तू मेरे प्रभु का हो जाएगा, वरना होगा नहीं। बोल राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। बच्चे डांट देते थे, वैराग्य होता है तो मन में आज ही घर छोड़ के चला जाऊंगा, अभी चला जाऊंगा, मेरा कोई नहीं है, वैराग्य हुआ कि नहीं।
बच्चा डांट दे तो पिता को, वृद्ध पिता को वैराग्य होता है, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं हरिद्वार चला जाऊँगा, हर की पौड़ी पे रह लूँगा, लोगों से मांग मांग के खा लूँगा, एक पेट का भरना भी कोई भरना है, ऐसे बोलते ना, मुझे कैसे पता, अभी तुम मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, मुझे कैसे पता, सब जानते प्यारे, बड़ी स्टोरियां सुनने को मिलती हैं, आप सबका अनुभव मेरे साथ है ना, ये हो गया वो हो गया, मैं हरिद्वार चला जाऊंगा, वृंदावन चला जाऊंगा, केदारनाथ बद्रीनाथ पता नहीं कहां कहां जाता है, लेकिन अब कर क्या रहा है जाने के लिए, बोले अटैची पैक कर रहा है, ये भी ले जाऊंगा, ये भी ले जाऊंगा, ये भी, अब जो हरिद्वार ही जा रहा है तो ये अटैची क्यों तैयार कर रहा है भाई, और जब तक वो अटैची तब तक तैयार होगी जब तक कोई सामने से सॉरी ना बोल दे, आगे से बहू आएगी, पापा जी तुसी ना जाओ, पापा जी तुसी जान दो तुहाडा पुत्र कहीं में, अच्छा असी बोल देने सॉरी पापा जी, हाय मेरी नू, हाय मेरी नू, तुसी चंगी हो बहू, नू सनू कहने रहे बहू को, क्या कहते साड़ी नू बड़ी चंगी है, तेरी नू कितनी चंगी हो तो सास ने पूछना, बोल राधे राधे, उसने जैसे ही सॉरी कहा पापा जी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया हरिद्वार जाने का, बेटे से तो बहू अच्छी सॉरी तो बोला, मैं गारंटी से कहता हूं अगर अटैची तैयार करने में लगे रहे तो हरिद्वार कभी नहीं जाओगे, कभी नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए अटैची तैयार करना बंद करो, और जिस दिन वैराग्य हो तुरंत फौरन खड़े हो बाबा तुलसी की तरह और निकल जा घर छोड़ के, मैं कहता हूं हरिद्वार में तू हरि के भवन में पहुंच जाएगा और तेरा कल्याण हो जाएगा, तैयार होने में देर मत कर, नहीं तो कोई ना कोई तो सॉरी बोल ही देगा। तुलसीदास बाबा की पत्नी ने कहा अस्ति चर्म मम देह याता में ऐसी प्रीत, जो कहूं होती राम में तौन होए भवभीत, जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, जितने इस हाड़ मास के पुतले से प्रेम करते हो, जितना तुम इन हड्डियों से प्रेम करते हो, उससे आधा भी प्रेम अगर तुमने राम से किया होता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता, तुम भवसागर से पार हो जाते, तुम मानव हो, मानव होना कल्याणकारी हो जाता, तुम सच्चे मानव बन जाते, लेकिन अफसोस जिसने तुम्हें बनाया है तुमने उससे प्रेम नहीं किया, जिसको तुमने देख लिया, इस आकृति को देख लिया, तुम उससे प्रेम कर बैठे, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। जैसो हित हराम को तैसो हर में होए, चले जाओ वैकुंठ को तेरो पल्लो न पकड़े कोई, अगर वैकुंठ जाना चाहते हो तो ये सब करना बंद करो और सीधे जाओ। तुलसीदास बाबा की नजरें खुली की खुली रह गईं, दिल के दरवाजे सब खुल गए, जो मैल था सब निकल गया, और फिर तैयारी की कहां, मेरे प्रभु के द्वार पर जाने की। बोले क्यों, बोले अब तक जो मैल जमा था ना माया का, वो इन शब्दों ने धो दिया, साफ कर दिया, और अब तो एक ही बात याद आ रही है, जैसो हित हराम को तैसो हरि में हो, चले जाओ वैकुंठ को तेरो पल्लो न पकड़े कोई, जितना तुम दुनिया से करते हो उससे आधा भी अगर भगवान से करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए, यही शब्द गूंज रहे बार बार, और जब ये शब्द बार बार गूंज रहे हैं तो जानते हो क्या हुआ, बाबा ने सुबह होने का इंतजार नहीं किया, बाबा ने उसी समय रात्रि में घर छोड़ दिया। बोले रात्रि में घर क्यों छोड़ा भाई, सुबह निकल जाते। बोले मैं विश्वास के साथ कहता हूं अगर बाबा सुबह तक रुक जाते तो उनकी पत्नी आ जाती और क्षमा याचना मांग लेती, और शायद फिर क्या, शायद क्या, पक्का तुलसीदास बाबा घर नहीं छोड़ पाते। अच्छा बोले ठीक है, रात को जो कह दिया था सब भूल जाओ, चलो घर चलते। लेकिन जब वैराग्य आए तो उसका उपयोग करना चाहिए, कल पर नहीं टालना चाहिए। बहुत से लोग मुझे फोन कर करके कर रहे थे ठाकुर जी हमारा मन बड़ा कर रहा है हरिद्वार आने का, बहुत मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है, दर्राक अपने मन को, काहे का मन है तेरा, जब बुरा मन, जब दुनिया के किसी काम को करने का मन करता है करते हो या नहीं, बोलिए करते हो, तब तो नहीं कहते ठाकुर जी मेरा बहुत मन कर रहा है मैं आ नहीं पा रहा,
वो जब मन करता है फिर तो कर डालते हो। कोई नोटों की गड्डी दे दे और मन करे गिन लूं तो पूछोगे ठाकुर जी से, बताओगे कितने, बताइए हाँ या ना। ठाकुर जी को तो वही चढ़ाओगे 101 ही, या ठाकुर जी पे जाके और नामधारी पे थोड़ा सा दिखाने के लिए चढ़ाना पड़ता है, और वहाँ थोड़ा जो कामधारी है भगवान श्री कृष्ण वहाँ तो कोई देखने वाला भी नहीं, तो वहाँ तो एक से काम चला लेता है, किसी को बताता भी नहीं कि कितना चढ़ा के आया। फिर क्यों अब यहाँ आने के लिए मन कर रहा है, आ नहीं पा रहा हूँ। सुवस्य शीघ्रम, शुभ कार्य में कभी विलंब नहीं करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके बस कर डालो, तेरा कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे राधे। कल पर मत डालो अच्छे काम को, बुरे काम को कल पर डालो, अच्छे काम को तो कल नहीं आज, आज नहीं टुडे, टुडे नॉट दिस टाइम, अभी इसी समय। काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परलय होएगी, बहुरी करे गो कौ।